Assalamualaikum students, how you all? Hope so you are all fine. And आप सब लोग जो हैं वो roses की तो प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, तो आज हम चलते हैं roses के leaves की तरफ. Different types के roses के leaves हैं, तो मैं आपको two techniques जो हैं वो बताऊँगी. अब आप पे depend करता है कि आप फिर leaves जो हैं वो मतलब गोल राउंड शेप के बनाती हैं, कुछ भी करती हैं, वट्स एवर, ठीक है. इसके अलावा मैंने स्टेंसिल्स जो हैं वो स्टेंसिल एल्बम में आप लोगों के क्लासरूम ग्रुप में आप एल्बम का पोर्शन ओपन कीजिएगा, तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज की वहाँ पे एल्बम नज़र आएंगी, ठीक है. तो आप वहाँ से स्टेंसिल्स की जो एल्बम है उसे ओपन करें, तो उसमें आपको डिफरेंट स्टेंसिल्स जो हैं वो पड़ी हुई मिलेंगी, तो आप उनकी तरफ देख के ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी. चलते हैं अब स्टेंसिल्स की तरफ, कि हमने लीफ के स्टेंसिल्स कैसे ड्रॉ करने हैं. टू मच इजी, आप पे डिपेंड करता है आप सीधी लाइन लेके जाएं, आप पे डिपेंड करता है वेवी शेप में लेके जाएं, लेकिन मैं आपको वेवी शेप में सिखाऊंगी. सीधी तो आप डेफिनेटली खुद कर ही लेंगे, ठीक है. ये देखें, ठीक है, ये मैंने मतलब आपने यहाँ तक लाना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. फिर यहाँ से थोड़ा सी आपने इसकी जगह छोड़नी है, और यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा सारा लीफ ड्रॉ कर देना है, ठीक हो गया. जब हम कटिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारी यहाँ से कटिंग होगी. अच्छा, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हमने लीफ ड्रॉ करना है उसकी थोड़ी सी स्टेम बनानी है. ये देखिए, थोड़ी सी उसकी स्टेम बनानी है. ये नहीं करना कि आपने इस स्टेम के साथ ही जो है उसको ड्रॉ कर देना, नहीं. समझ आ गई? अब ये देखिए, ये यहाँ पे ड्रॉ किया, अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ. समझ आ रही है सबको? अब यहाँ पे, ठीक है. अब मैं लीव्स बनाती जाती हूँ, थोड़े बड़े शेप के, कि जो रोजेस हमारे देखें, जितना बड़ा हमारा रोज़ है उसी हिसाब से आप अपने लीफ बनाइएगा, कि इतने बड़े फ्लावर के साथ एटलीस्ट वो हमें नज़र तो आए, ठीक है. ये लीजिए, देन आपने इसको जो है वो कट कर लेना है. डेफिनेटली कट तो करना आता होगा आप लोगों को, मैंने कटिंग पहले भी सिखाई हुई है, तो बस ड्रॉ करना बताया था. ये देखिए, इसके ऊपर भी लीव्स लगे हुए हैं, ये देखिए, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है. तो ये लीव्स आप इजीली बना सकते हैं. मेथड मैंने आपको बता दिया है. जिन स्टूडेंट्स को फिर भी मेथड की नहीं समझ आ रही, वो स्टेंसिल ग्रुप जो है वो ओपन कर लें. इंशाल्लाह अज़्ज़ल कुछ हैक्स मैं बताऊंगी आप लोगों को. ये 3 मंथ की क्लास जब ओपन होगी तो लास्ट में आप लोगों को एक गिफ्ट क्लास दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, कुछ हैक्स होंगे ड्राइंग करने के. अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप लोगों ने ना मेहनत छोड़ देनी है, ठीक है. तो उसमें भी मेहनत होती है, लेकिन उसमें आप एग्जैक्टली काम कर सकते हो, तो वो हैक्स मैं आप लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ल. ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन कब बताऊंगी, जब हमारी 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी लास्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, प्रोजेक्ट से पहले. जब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगी उससे पहले मैं आप लोगों को वो हैक्स बताऊंगी, ठीक है. अब हम चलते हैं दूसरे इसकी तरफ, लीफ की तरफ. तो ये लीफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत लगते हैं, तो ये लीफ मैं अब आप लोगों को सिखाऊंगी. सिंपल, ये वैसे ही लाइन है, इसको ना देखें, जैसे हम लीफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको मुझे आपको काट के काम भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, ये लीफ जितना बड़ा मर्जी आप ड्रॉ कर लें, लेकिन ये बड़ा प्यारा लगता है. इस लीफ के भी स्टेंसिल्स मौजूद हैं, स्टेप बाय स्टेप पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी,
स्टेप बाय स्टेप पिक्चर का मेथड ही मतलब ये होता है कि आप कहीं भी भूल जाओ, आपको फ़ौरन काम देखना पड़े अपने काम से रिलेटेड, तो वीडियो निकाल के उसे घंटा पहले लगाओ फिर देखो। तो इससे अच्छा कि आपको जो मैं स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स देखती हूँ उनको देख लिया करो, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और आप बहुत कुछ सीखोगे। ये देखिए हमारा ये लीफ कटिंग हो गया, इसके पीछे स्टेम भी है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने ठीक है इसी तरह की कुछ रैंडम रैंडम शेप्स आपने व्हाट्सएप आप पे डिपेंड करता है आपने कट कर लेनी है और इनको दरमियान से निकाल लेना है। ठीक है ज़रूरी नहीं है गोल है, आप कोई भी शेप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। चौरस शेप मैंने तो ये गोल सी ड्रा कर दी है ना, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि हमने इस लीफ को कैसे बनाना है। ठीक है अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसके अंदर कैसी की शेप ड्रा करके निकालते हो। ये लें जी ये हमारा लीफ रेडी हो गया है। ठीक है तो इस लीफ को भी आप ज़रूर बनाइएगा, इसके अलावा आप इस लीफ का भी बनाइएगा। इसमें देखें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, आप इसकी शेप मैंने ज़ाहिर है रियल ओरिजिनल लीफ की जैसी शेप होती वैसे बनाई है, आप इसको गोल भी कर सकते हैं। ठीक है मतलब गोल शेप, इसमें देखें गोल शेप के लीफ, गोल शेप के लीफ ये वही लीफ है जो मैंने आपको अभी इससे पहले समझाए हैं, दोनों तरह के यूज़ होते हैं, तो आप दोनों तरीके के मुझे बना के दिखाएंगे। ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, फिर देन इनको कट कर लीजिएगा और होप्स हो कि ये वाला लीफ भी बहुत ज़्यादा इजी है और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने लीफ कैसे बनाने हैं। ठीक है ज़रूरी नहीं होता बैक ग्रो फ्लावर्स में कि आप लीफ जो हैं वो बनाएं मतलब ग्रीन कलर के, वैसे ग्रीन कलर के अच्छे लगते हैं क्योंकि हम कलरफुल अगर फ्लावर्स बना रहे हैं, रेड रोज़ बना रहे हैं तो उसके साथ ग्रीन फ्लावर तो ग्रीन लीफ तो वो बड़ा ओरिजिनल सा शेड देते हैं। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि हम गोल्डन लीफ लगा रहे होते हैं या व्हाट्स एवर, तो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि अगर हमने गोल्डन लीफ बनाना है या गोल्डन, तो यही वाला जो लीफ मैंने बनाया ना इसको मैं गोल्डन करके दिखाऊंगी। ठीक है गोल्डन स्प्रे चेक करती हूँ अगर मेरे पास मौजूद हुई, नहीं तो मैं आपको कोई भी पेंट इसके ऊपर करके दिखाती हूँ, ग्रीन करके दिखा देती हूँ। ठीक है ग्रीन इसके ऊपर हम कर लेते हैं, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि पेंट कैसे होता है, फिर आप किसी भी कलर का पेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, होप सो कि आपको लीफ की समझ आ गई होगी, अब अपनी फ्लावर्स के साथ लीफ भी बना के लगा लें। जज़ाकअल्लाह खैरा।